जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हम लोग इसके सारे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम उसके चार टाइप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम उसके पांचवे टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर। अब आपसे पूछा है कि एक साल में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, ये आपको पता करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि जो आपका ईयर है वो क्या एक लीप ईयर है या एक नॉन लीप ईयर है, तो मैंने दोनों के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि इन अ नॉन लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मैंशन नहीं किया हुआ कि वो जो 53 संडे है वो किसी नॉन लीप ईयर में है या लीप ईयर में, तो दोनों ही केसेस में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें आपके 365 डेज होते हैं, जिसमें आपका 52 तो क्या होता है वीक्स होता है और आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 52 संडे के बाद में आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो सकता है, मतलब एक दिन आपका एक्स्ट्रा है। और वो एक दिन आपका संडे भी सकता है, मंडे भी सकता है, ट्यूसडे भी सकता है, थर्सडे भी सकता है, वेनसडे भी सकता है, फ्राइडे भी सकता है और सैटरडे भी सकता है। यानी कहने का मतलब वो एक दिन आपका इन सातों में से कोई भी सकता है, तो आपका जो टोटल आउटकम है वो कितना हो गया 7 हो गया, और आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया वो कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं संडे की। तो अगर इन सात आउटकम हमारे पास है तो 7 में से आ कितना रहा आपके पास, 1 ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, वो एक दिन आपका संडे होने का बोल रहा है, वो भी क्वेश्चन में आपसे क्या कहा 53 संडे, यानी 52 वीक के हिसाब से 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो है ही, लेकिन आपका एक दिन जो है उस एक दिन की वजह से वो आपका 53 संडे हो जाएगा। तो जो आपका 53वां संडे है, ठीक है ना, वो एक इस एक दिन की वजह से होगा, ठीक है ना। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडे की, वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 7 और आपका 1, यानी कहने का मतलब कितनी हो जाएगी 1/7। टोटल आउटकम कितना हमारे पास में 7 है, और उसमें से उसने बोला कि संडे आने की प्रॉबलिटी कितनी है, तो संडे कितना, संडे आपका एक आउटकम है उसमें, तो 1/7 क्या होगी आपकी प्रॉबलिटी होगी। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपसे लीप ईयर के लिए बोल दे कि लीप ईयर होगा तो किस तरह का हमारे पास प्रॉबलिटी रहेगा 53 संडे आने का, तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन अ लीप ईयर, अब आपको पता है कि एक लीप ईयर में आके कितने होते हैं 366 डेज होते हैं, कितने होते हैं आपके 366 डे होते हैं, और उसमें भी सेम टू सेम आपके 52 वीक्स होते हैं और आपके दो दिन जो होते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा होते हैं। अब वो दो दिन आपका मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मतलब आपका एक दिन मंडे हो गया, आपका एक दिन ट्यूसडे हो गया, या फिर ट्यूसडे वेनसडे, या वेनसडे ट्यूसडे, या वेनसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर आउटकम आपका दो बार रिपीट हो रहा है, यानी आपका जो आउटकम है वो दो बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास, वही 7 है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के हिसाब से हमारे पास कितने टोटल 7 आउटकम है, लेकिन उसमें से आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ओनली 2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संडे आपका यहाँ भी आ रहा है, संडे आपका यहाँ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब आपका संडे आने का जो आउटकम है फेवरेबल आउटकम वो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो जो आपकी प्रॉबलिटी है 53 संडे की, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है 53 संडे की, वो क्या हो जाएगी आपके पास 2/7। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आपसे लीप ईयर नॉन लीप ईयर पूछ लेगा 53 संडे के लिए, या मंडे के लिए, या ट्यूसडे के लिए, या फ्राइडे के लिए, या सैटरडे के लिए, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम कितने हैं और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।